हमारा ऑपरेशन रावण दिल्ली से शुरू हुआ और फिर पहुंच गया बिहार के कटिहार। बिल्कुल, और कटिहार में हमें एक ऐसा शख्स मिलने वाला था जो दरअसल इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जा सकता है। अभी मैं आपके सामने इन नोटों को देख रहा था, ये नोट हमारे संवाददाता लेकर आए हैं, सब नकली हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके से कोई भी शख्स पहचान नहीं सकता, बहुत दिक्कत होती है। जरा देखिए मास्टरमाइंड क्या कह रहा है, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार ये पूरा का पूरा गोरखधंधा कितना बड़ा है। दिलीप, जिसको हमने आपसे ब्रेक से पहले मिलवाया था, वो बिचौलिया, वो ले जा रहा है मास्टरमाइंड के पास, देखिए जरा। हम हैरान थे कि जो शख्स कटिहार में बैठकर धड़ल्ले से नकली नोटों का कारोबार चला रहा है, उसके बारे में पुलिस को पता न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दिलीप ने हमें बताया कि वो तो पुलिस के हत्थे चढ़ भी चुका है। ऐसा आदमी शक्ति नहीं देता है, दिलीप को हमने 90,000 रुपए दिए, बदले में हमें 1,40,000 रुपए के नकली नोट मिले थे। हमने दिलीप को आगे भेज दिया और चुपचाप उसका पीछा करते रहे, पर ज्यादा देर तक उसके पीछे नहीं रह पाए। थोड़ी देर में कटिहार की इन्हीं गलियों में वो गुम हो गया। कुछ देर बाद जब दिलीप वापस आया तो उसने बताया कि उसका बॉस घर पर नहीं है, पर उसने भरोसा दिलाया कि हमें नकली नोट मिल जाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से दिलीप हमें भटकाने की कोशिश करता रहा, उस बॉस से मिलाने की बात करता रहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। हम अपनी कोशिश में लगातार लगे रहे और ऐसे कई खुलासे अभी आपके सामने हम करने वाले हैं, जिसके बाद आप अपने हाथ में लिए नोट के बंडल को बार बार देखेंगे, सोचेंगे कि असली है या नकली, ठीक वैसे ही जैसे अभी पूनम और मैं सोच रहे हैं।